दोस्तों हाल ही में एक थिंक टैंक आयोजित की गई थी। आपको बता दें कि थिंक टैंक एक ऐसी संस्था है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े बुद्धिजीवी आकर के दुनिया की प्रॉब्लम्स पर विचार करते हैं और उसमें अपनी राय देते हैं, और यह माना जाता है कि जो ये थिंक टैंक कहते हैं यही होता है। तो दुनिया के भविष्य को लेकर के इनसे बहुत सारे सवाल किए गए, जिसमें से पहला सवाल था कि अगले 10 ईयर में ऐसा कौन सा देश है जो न्यूक्लियर स्टेट बन सकता है। तो जिसमें से सबसे ऊपर नाम ईरान का ही आया है, क्योंकि हाल ही में आई न्यूज़ के अनुसार आप सभी को पता ही चल गया होगा ईरान न्यूक्लियर बनाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ है। वहीं दूसरे नंबर पर यह माना गया है कि सऊदी भी न्यूक्लियर डेवलप्ड देश हो सकता है और साउथ कोरिया भी न्यूक्लियर डेवलपमेंट में लगा हुआ है। आपको बता दें कि हाल ही में साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री ने यह कह दिया था अपनी जनता से कि अमेरिका और साउथ कोरिया मिलकर के एक न्यूक्लियर अभ्यास करेंगे, पर जिससे अमेरिका ने सीधे मना कर दिया। और आपको बता दें कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट चलता है जैसे इंडिया और पाकिस्तान, जिसके कारण नॉर्थ कोरिया धमकी देता ही रहता है साउथ कोरिया के, इसलिए साउथ कोरिया भी न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहता है। वहीं आपको बता दें कि एक ऐसी गहन संधि यूएन के परमानेंट सीट को लेकर की गई, जिसमें से यह पूछा गया कि अगले 10 ईयर में कौन सा ऐसा देश है जो यूएनएससी की परमानेंट सीट प्राप्त कर सकता है। तो आपको बता दें कि 64% लोगों ने इसमें मना कर दिया कि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जो यूएन की परमानेंट सीट पा सकता है, पर यदि कोई ऐसा देश है जो यूएनएससी की परमानेंट सीट पाएगा तो वह भारत होगा। 26% लोगों ने इस भारत के पक्ष में मत दिया। वहीं आपको बता दें कि चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट में भी यह सवाल पूछे गया कि क्या अगले 10 ईयर में चाइना ताइवान की ज़मीन को कब्जा कर लेगा, जिसमें से उनके जवाब आया कि चाइना ताइवान को कब्जा नहीं कर पाएगा। इसमें से 58% लोगों ने यह ना में करते हुए जवाब दिया। वहीं 12% लोगों ने यह कहा है कि हाँ अगले 10 ईयर में चाइना ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा। और आपको बता दें कि एक और विचार पर चर्चा की गई, जिसमें से यह बोला गया कि कौन सा ऐसा देश है जो अगले 10 साल में टूट जाएगा, मतलब कई टुकड़ों में व्यक्त हो जाएगा। तो इसमें सबसे ऊपर नाम रूस का आया है। इन बुद्धिजीवियों ने कहा है कि रूस ही एक ऐसा देश है जो अगले 10 सालों में टूट करके 2-3 टुकड़े में विभक्त हो जाएगा। वहीं इस लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम आया है, और बुद्धिजीवियों में से 29% बुद्धिजीवियों ने कहा है कि अगले 10 ईयर में पाकिस्तान का अस्तित्व नहीं रहेगा और पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। वहीं कोलैप्स करने वालों में से अफगानिस्तान का नाम भी आया है, क्योंकि आपको पता होगा अफगानिस्तान में तालिबान का राज है, इसीलिए माना गया है कि अफगानिस्तान भी टूट करके 2-3 टुकड़ों में व्यक्त हो जाएगा। वैसे आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। जय हिंद।